क्या बतला दिया है? अपनी प्रत्यग आत्मा में ही संसार बंधन से मुक्ति के लिए अपने चित्त को स्थिर करना चाहिए, ये बतला दिया है। और चित्त को समाहित करने का जो प्रक्रिया है साधन सहित, वो बतला दी गई है कि प्रथम वाणी का संयम, अपरिग्रह, आशा कामना रहित एकांत सेवन। एकांत सेवन से इंद्रियों का दमन हो जाता है, क्योंकि विषयों का संयोग सुलभ नहीं हो पाता, और इंद्रियों के दांत होने से मन शांत हो जाता है, और मन के शांत होने से क्या होता है, जो ब्राह्मी अचल जो आनंद रस है उसकी अनुभूति होती है। मन जब शांत हो जाता है अपने स्वरूप में, तो अचल ब्राह्मी आनंद रस का अनुभव योगी को होता है। इसलिए चित्त निरोध ही संपूर्ण प्रयत्न करके योगी को करना चाहिए, ये बता दिया है। अब इसी का ही और तरह से इसको समझाया है। तो कैसे समझाया था? बताया था कि वाणी को मन में लय कर दो। क्या बताया है? वाणी को, वाणी से अभिप्राय इंद्रिया, समस्त इंद्रिया, वाणी से उपलक्षित हो गई समस्त इंद्रिया, इंद्रियों को मन में लय कर दो, स्थापित कर दो, और मन को बुद्धि में विलय कर दो, टिका दो, और बुद्धि को बुद्धि साक्षी में नियुक्त कर दे। बुद्धि को बुद्धि साक्षी में लय कर दे, तो फिर क्या रह जाता है? साक्षी जो है वही शेष रहता है। फिर उस साक्षी को जो पूर्ण आत्मा ब्रह्म है उसमें ही मिला करके क्या करो? परम शांति का अनुभव। क्या बताया था? जो साक्षी है, इस साक्षी को पूर्ण ब्रह्म में मिला करके, मिलाने का विलाप्य का मतलब क्या है? एक ही है, इस साक्षी ही ब्रह्म है, ऐसा निश्चय और अनुभव करके परम शांति का अनुभव करो। तो यहां पर ये बात बता दी कि आपका जो वृत्ति है, विचार है, यही मुख्य है। यही क्या है? यही मुख्य है। जब आपकी वृत्ति सत कर्म में आरूढ़ होती है तो आप धर्मात्मा होते हैं, और जब आपकी वृत्ति मलिन आचरण संयुक्त होती है तब आप पापात्मा होते हैं। तो सब कुछ वृत्ति से ही, तो बताया भी था, देह प्राण इंद्रिय मन बुद्धि जो उपाधि है, इन उपाधियों में से जिस जिस उपाधि के साथ वृत्ति का समायोग, चित्त वृत्ति का योग होता है, अस्या योगिना तत्तद् भावः, इस योगी को वही वही भाव की प्रतीति प्राप्ति होती है। शरीर के साथ वृत्ति जुड़ जाती है तो कहता है मैं शरीर हूं, इंद्रियों के साथ जुड़ती है तो कहता है मैं इंद्रिया हूं, और प्राण के साथ में जुड़ती है तो कहता है मैं प्राण हूं, और मन के साथ में जुड़ती है तो क्या कहता है मैं मन हूं, बुद्धि के साथ में जुड़ती है तो क्या कहता है मैं
बुद्धि हूँ और यही वृत्ति यदि अपने स्वरूप को विषय करे, स्वरूप में लौट आए तो क्या है, मैं आत्मा, मैं ब्रह्म। तो जिस जिस उपाधि के साथ में यही यही उपाधि भी वृत्ते समायोग तत्तद अस्य योगिना भावः। जिस जिस उपाधि के साथ चित्त वृत्ति का संबंध होता है वही वही भाव ये योगी प्राप्त हो जाता है, उसी उसी भाव की प्राप्ति हो जाती है। और देखो सब कुछ वृत्ति विचार और इनकी प्रगाढ़ता से ये जगत, ये शरीर, सब कुछ विचार मात्र है, वृत्ति मात्र है सब कुछ। वृत्ति तो सब रख लेते हैं, सब वृत्तियां, ये नाम रख दिया, कितना दृढ़ आग्रह है, मेरे को गाली दी, नाम बोल करके गाली दी। अब आप बताओ, नाम तो आपका कभी कुछ और भी रखा जा सकता है, हैं? लेकिन कितना ज्यादा दृढ़ता कर लेता है, हैं? नाम की वैसी शरीर आदि की हुई है, वैसे स्थान की, वैसे ही परिवार की, वैसे ही कुल जाति वर्ण आश्रम, हैं? ये इन सब का क्या किया हुआ है, दृढ़ निश्चय किया हुआ, इनमें अहमता ममता की हुई है। और अहमता ममता का जो मूल है उस मूल को नहीं जानता, कि जहां से ये गंगा प्रवाहित हो रही है, अहम मम की गंगा जहां से निकल रही है उसको नहीं जानता। कहां से निकल रही है, आत्मा से निकल रही है ना, कहाँ से निकल रही है, आत्मा से निकल रही है ना, मूल तो वही है, उसको नहीं जानता है। नहीं तो ये जाने कि मूल तो आत्मा ही, आत्मा ब्रह्म रूप है, लेकिन इस स्वप्न, इस खेल को ही सत्य मानता है, इस स्वप्न के समान ये जो खेल है प्रपंच, इसी को सत्य मानता है। तो परम सत्य का साक्षात्कार करने में वह समर्थ होता है जिसने संसार को समझ लिया है, असार रूप समझ लिया है, मिथ्या रूप, तो वही परम सत्य का अनुभव करने में समर्थ हो सकता है, क्योंकि वही चल सकता है, उसी की ही क्या होगी, तीव्र लगन होगी, वही तो तीव्र मुमुक्षु है, वही कारण है। आगे भी देखो, इतना कुछ सुनाने के पश्चात आगे फिर वैराग्य का ही बतला रहे हैं, क्योंकि मुख्य तो वैराग्य ही है। तो ये बात हो गई है कि वृत्ति से ही क्या होता है, ये वही वही भाव को प्राप्त हो जाता है, जैसे गीता जी में कह ही दिया है, क्या कहा है, यो यत श्रद्धा स एव स, जिसकी जो श्रद्धा है वह वही है, यत श्रद्धा स एव स क्या है, जिसकी जो श्रद्धा है, श्रद्धा मतलब वही भाव है, जो विचार है, जो निश्चय है, जो संकल्प है, वही तो वह है। व्यक्ति समझता है मैं जीव हूं तो जीव हो जाता है, समझता है मैं ब्रह्म हूं तो ब्रह्म है, समझता है मैं शरीर हूं तो शरीर है, समझता है कि मैं साधु हूं तो साधु है, समझता है कि मैं गृहस्थ हूं तो गृहस्थ है, जो समझता है वही है, वही हो जाता है। और क्या वास्तविकता क्या है, सही समझ क्या है, कि मैं चेतन हूं, अविनाशी ब्रह्म हूं, सबका साक्षी, वास्तविकता ये
वास्तविकता को समझिए। तो आज आप 372वां श्लोक देख लीजिए, ये तो हो गया ना। तन्निवृत्त्या मुने सम्यक् सर्वो परमणं सुखं संदृश्यते सदानन्द रसानुभव विप्लवः। तद निवृत्त्या मुने सम्यक् सर्वो परमणं सुखं संदृश्यते सदानन्द रसानुभव विप्लवः। हाँ जी, तद निवृत्त्या मुनेः सम्यक् उपाधि का सम्यक रूप से निवृत्ति कर दिए जाने पर, उपाधि में जो तादात्म्य है, अहमता ममता है, उसकी निवृत्ति कर देने पर क्या होता है? सर्वो परमणं सुखम्। सबसे जो उपराम हो जाता है, क्या होता है? सबसे उपराम हो जाता है। और सबसे उपरामता का जो सुख है वो विलक्षण ही सुख है। जी, सबसे उपराम हो गया तो क्या है? जब चित्त में इच्छा होती है किसी भी पद पदार्थ को पाने की, तो चित्त व्यग्र हो जाता है। और कोई इच्छा ना होता तो उसी को कह रहे सर्वोपरमणम सुखम। सबसे उपरामता रूप जो सुख है, बिल्कुल न कोई विक्षेप, न किसी प्रकार की अवसाद, न कोई इच्छा, न कोई कामना, जिसको कचु ने चाहिए वो सो साहन पति साह, कुछ नहीं चाहिए, है ना। इतनी सुंदर बात, चाह नहीं रही तो उसके बराबर सम्राट है जिसको चाहा है। चाहा वाला क्या है? दरिद्र है। जिसके चित्त में चाहा है वो क्या है? दरिद्र है, भिखारी है। और जिसके चित्त में चाहा नहीं है उससे बड़ा सेठ, उससे बड़ा सहनसा सम्राट कोई है? कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए संतों के सम्मुख संपूर्ण आस्तिक जनता झुकती है। क्यों? कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। कारण क्या है? इसीलिए उनको राजा ना कह करके क्या कहते हैं? महाराज कहते हैं। कुछ नहीं चाहिए, किसी भी चीज की आशा आकांक्षा नहीं, इस चीज की भी नहीं कि कोई उनकी प्रशंसा करे या कोई उनको हाथ जोड़े, किसी भी चीज की चाह नहीं है। क्यों? एक तो वो अपने अभेद को देखता है, दूसरा सब में अपने को देखता है, दूसरा है ही नहीं, तो फिर आशा किसकी हो? आशा किसकी हो? आशा का कारण ही नहीं रहा ना। एक हो गया, पूर्ण हो गया, पूर्ण। अपूर्ण में कामना होगी, जो पूर्ण है तो उसमें कोई कामना नहीं। तो वैसे ही किसी भी पद पदार्थ की इच्छा न होना उसे क्या होता है? सर्वो परमणम सुखम। क्या होता है?
सबसे उपराम हो जाने का जो सुख है ना, वही देखा जाता है। संदृश्यते क्या होता है, वही अनुभव में आता है, स्वयं यही अनुभव में आता है। और बाहर भी लोग अनुमान करते हैं कि ये क्या है, परम सुखी है। वैसे तो अनुभव तो स्वसंवेद्य है ना, वो जो सुख है आनंद है वो क्या है, लेकिन थोड़े से मुख मंडल से लोग अनुमान कर, आप बड़े दुखी दिख रहे हैं, आज आप बड़े प्रसन्न हैं, आपने कुछ कहा नहीं है, लेकिन आपका जो आनंद है वो हृदय में समा नहीं रहा है, तो बाहर प्रकट होता है। वैसे ही जो दुख है वो जब हृदय में नहीं समाता है तो वो भी बाहर प्रकट होता है। तो दूसरे लोग देखते हैं कि आप आज दुखी हैं या प्रसन्न हैं। तो वैसे ही जो जिसका चित्त समस्त उपाधि जो जड़ है इनकी तादात्म्य आसक्ति से रहित हो गया, तो क्या होता है, उसको जो सबसे उपरामता रूप सुख है वो स्पष्ट ही अनुभव में आता है। और साधक लोग भी ऐसा उसको देख करके उनके सुख आनंद का अनुमान करते हैं, ये परम सुखी है, इनके चित्त में किसी प्रकार की आशा आकांक्षा तृष्णा नहीं। तो ऐसा सर्वोपरमणम सर्व उपरामता रूप सुख है देखा जाता है। और सदा आनंद रसानुभव विप्लवः, और उनके चित्त में सदा ही निरंतर आनंद रस का जो अनुभूति है उसका विप्लवः, उसकी बाढ़, उसकी बाढ़ रहती है। समझ आया? हाँ, क्या क्या समझ आया? देखो, ये जो विषय वस्तु की चाह है इनसे कितना चित्त में विक्षेप होता है, है? प्राप्ति नहीं होती तो कितना दुख होता है। सीमित प्राप्ति होती है, मन चाही नहीं होती, मन चाही कभी होती ही नहीं है, है? लाख हो जाए तो दो क्यों नहीं हुए, दो हो जाए तो दस क्यों नहीं हुए, दस हो जाए तो करोड़ क्यों नहीं हुए, करोड़ हो जाए तो अरब क्यों नहीं हुए, अरब हो जाए तो कोई सीमा है, कोई सीमा ही नहीं, सबका सब सीमित ही है। तो किसी भी प्रकार से चित्त में क्या बना रहेगा, विक्षेप बना रहेगा, चित्त में विक्षेप, पीड़ा, शोक, चिंता, भय बने रहेंगे। लेकिन जिसको कुछ नहीं चाहिए तो एक तो वो सुख हो गया, ठीक है, कुछ नहीं चाहिए ये सुख है, लेकिन इससे केवल केवल इतने मात्र से आत्म प्राप्ति नहीं हुई है, उसके साथ ही साथ अपनी आत्मा का ज्ञान भी जिसको हो गया, अनुभव भी जिसको हो गया, और अपनी जो आत्मा है वो क्या है, सच्चिदानंद घन रूप है। इसलिए चित्त में क्या होती है, आनंद रस की अनुभूति की बाढ़ आई रहती है। समझ आया? अनंत गुना, जैसे संसारी लोग हैं, अज्ञानी हैं, तो उनको आत्मानंद का अनुभव नहीं है। और जो थोड़ा बहुत विषय सुख है इसमें भी क्या है, विक्षेप ही विक्षेप बना रहता है, इनकी इच्छा, इनकी अप्राप्ति, इनकी प्राप्ति में विघ्न, इनका वियोग, भय, हैं,
हैं, नष्ट होने का भय, ये सब कुछ बने ही रहते हैं। तो आप ये देखो अज्ञानी कितना दुखी है और ज्ञानी, जो वैराग्यवान है वो भी बड़ा सुखी है। पहली वाली पंक्ति में क्या बता दिया, सर्वोपरमणम सुखम, सबसे उपरामता रूप जो सुख है वो देखा जाता है। सबसे उपरामता रूप सुख का मतलब हुआ वैराग्य। क्या हुआ? वैराग्य हुआ, पर वैराग्य। वैराग्य भी दो प्रकार का है ना, पर वैराग्य अपर वैराग्य, है ना। तो क्या हो गया है, पर माने श्रेष्ठ, हो गया है मिथ्या बुद्धि वैराग्य। एक घृणा बुद्धि वैराग्य है और दूसरा मिथ्या बुद्धि वैराग्य। घृणा बुद्धि कैसा है कि ये विषय है लेकिन ये जो विषय है ये सुख रूप नहीं है, दुख रूप है। क्या? सुख रूप नहीं है, दुख रूप है, दुख देने वाले है, ऐसा विचार करके उनसे जो वैराग्य होता है वो क्या है, घृणा बुद्धि वैराग्य। विषय है, आज घृणा है, कल उनमें प्रेम भी हो सकता है, हैं? तो ये वैराग्य स्थाई नहीं होता है। दूसरा वैराग्य मिथ्या बुद्धि वैराग्य। कैसा? मिथ्या। जैसे मरुभूमि का में प्रतीत होने वाला जो जल है, हैं? तो उससे जैसे उसको समझ करके वैराग्य हो जाता है, वो क्या है, मिथ्या बुद्धि। तो चित्त में कभी भी ये बात नहीं उभरती, अरे थोड़ा तो पी के चख के तो देख ही लेता एक बार, जब पानी है ही नहीं वहां, तो मिथ्या बुद्धि है कि ये संपूर्ण जगत सारा का सारा क्या है, मिथ्या है, प्रतीति मात्र है, है नहीं, भास रहा है। जैसे सीपी में चांदी, जैसे मरुभूमि में जल, जैसे आकाश में नीलिमा, जैसे रस्सी में सर्प, जैसे ठूट में पुरुष, है नहीं, भास रहे, ये हुआ मिथ्या बुद्धि वैराग्य। ये पर वैराग्य और पहले वाला अपर वैराग्य। वो वैराग्य क्या हो सकता है, हाँ वो टूट जाता है, नहीं स्थाई नहीं है, लेकिन ये जो पर वैराग्य है ये स्थाई वैराग्य। तो जो वैराग्य बड़ा सुख रूप है, भरद्र हरि जी महाराज कहते ना, वैराग्यमेवा भयम्। अब है सब कुछ भय युक्त है संसार में, सबका सब क्या है, लेकिन जो वैराग्य है ना, सबसे वैराग्य हो जाना, राग गलित हो जाना, ये बड़ा ही अभय रूप है, बड़ा ही आनंद रूप। अब देखो कितनी उल्टी बुद्धि है। संसारियों की बुद्धि क्या रहती है कि ये जो विषय वस्तु स्थान व्यक्ति का जो राग है इसमें ही सुख है। संसारी व्यक्ति की इसी यही है ना, पुत्र में सुख है, पुत्री में सुख है, अपने जो संबंधी है वो आते हैं, हैं? उनका मिलन होता है तो सुख, कितना सुख मिलता है। तो संसारी अज्ञानी की दृष्टि रहती है कि विषय वस्तु पद पदार्थ व्यक्ति स्थान इनमें सुख है और बारंबार इनका वियोग होता रहता है, नाश होता रहता है, तो क्या होता रहता है, दुखी होता रहता है। और देखो जो विवेकी है उसकी बुद्धि क्या है कि ये सबके सब दुख रूप है, इनमें राग ही दुख का कारण है। इन विषय वस्तुओं में, विषय वस्तु एक तरह से देखा जाए तो ये दुख नहीं है, दुख रूप नहीं है, इनमें जो राग है थोड़ी दुख, वो तो जड़ है, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं बेचारों को। रसगुल्ले को थोड़ा पता है कि मैं मीठा हूँ और बड़ा रसीला हूँ, पता है क्या? या जलेबी को ये थोड़ा पता है कि मैं
जो है वो हो गई हूँ, पसीज गई हूँ, क्या बोलते हैं उसको, नहीं थोड़ा वो हो जाती है ना, रखी हुई, हाँ नमी आ जाती है उसमें, हाँ वो वैसे करारी नहीं रहती है। तो जलेबी को थोड़ा पता है, ये गुलाब जामुन को पता है, कुछ नहीं पता है, लेकिन उनमें हमारी जो राग है उसी से हम उसको सुख रूप और दुख रूप जानते हैं। राग से, विचार से, ज्ञान से, तो वैसे ही राग ही दुख का कारण है, ऐसा विवेकी जानता है, इसीलिए वो सबसे राग रहित हो जाता है, सबसे वैराग्य कर लेता है, और वैराग्य ही सुख अभय का हेतु है, वैराग्य। अब वैराग्य हो गया तो अभी काम अधूरा है, आधा काम हुआ, आधा काम बाकी है। आधा काम क्या है, स्वरूप का बोध, अपने आत्म स्वरूप का बोध। उसके पश्चात क्या होगा, वैराग्य होने से ही सुखी हो गया है, वैराग्य होने से ही सुखी हो गया है, और फिर अपने स्वरूप का बोध प्राप्त कर लिया तो फिर क्या है, उसके हृदय में आनंद रस की अनुभूति की बाढ़ आ जाती है। चाहिए इतना सुख, हाँ देख लो, पर ये देख लो पहले दुखी दुखी तो दिख नहीं रहे आप मेरे को, हाँ दुखी संसार में सब असार व्यर्थ है, दुख रूप है, ऐसा निश्चय, ऐसा अनुभव, तभी तो वो इस तरफ चलेगा, उनसे वैराग्य भी होगा और अपनी आत्म प्राप्ति के लिए प्रयत्न भी करेगा कि मेरे को आत्मानुभूति करनी है। तो ये स्पष्ट हो गया ना, जैसे जैसे ये दृश्य रूप उपाधि है, इनमें अहमता ममता की निवृत्ति होती है, तो वैसे सर्व उपरामता रूप सुख का अनुभव योगी करता है, उपरामता रूप सुख। उसके पश्चात अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करके, अनुभूति करके, फिर तो वह आनंद रस घन की अनुभूति से परिपूर्ण रहता है, परिपूर्ण रहता है। अब इतना मीठा है, इतना रसीला है, इतना आनंद है, लेकिन उसके पश्चात भी, उसके पश्चात भी ये बुद्धि की मूढ़ता देखो कि संसारी जीव संसार में ही अपने मन बुद्धि को लगाता है, अपने मन बुद्धि को संसार में ही लगाता है। जो अत्यंत विवेकी है, अत्यंत विचारवान है, वही पर वैराग्य से संयुक्त होकर, पर वैराग्य से युक्त होकर अपनी आत्मा का अनुभव प्राप्ति के लिए तत्पर होता है, और अपनी आत्मा अनुभव करके समस्त भव बंधन से मुक्त हो जाता, सबसे मुक्त हो जाता। तो ये बात बतला दी गई है। तो यहां पर ये बता दिया कि ब्रह्मानंद की अनुभूति का आधार क्या है, वैराग्य। क्या बताया, वैराग्य आधार है, ब्रह्म प्राप्ति, आत्म प्राप्ति, परमात्म प्राप्ति का जो आधार है वो क्या है, वैराग्य है। इसीलिए पुनः
वैराग्य को ही और समझा रहे, निरूपण करेंगे वैराग्य। वैराग्य ही हेतु है मोक्ष का, वैराग्य के बिना मोक्ष, तत्व अनुभूति आत्मानुभूति संभव नहीं है। वैराग्य ही कारण है, सबसे आवश्यक है। तो इसलिए दोबारा वैराग्य को स्वरूप बतला रहे हैं। तो 373वां श्लोक देखिए। अंतस्त्यागो बहिस्त्यागो विरक्तस्यैव युज्यते, त्यजत्यन्तर्बहिस्संगम् विरक्तस्तु मुमुक्षया। अन्तः त्यागः बही त्यागः विरक्तस्य एव युज्यते, त्यजति अन्तः बही संगम विरक्तः तु मुमुक्षया। अंतः त्यागः बही त्याग। त्याग दो प्रकार का बता रहे, बही त्याग और अंतः त्याग। बही त्याग क्या है? ये जो बाह्य पदार्थ है, ये जो विषय है, वस्तु है, देश काल व्यक्ति है, इनका जो त्याग, विषयों का त्याग क्या हुआ? वस्तु त्याग, ये बही त्याग है। और जो उनका राग चित्त में बना हुआ है, ये त्याग क्या है? अंतः त्याग। ये कहां पर है? ये वस्तु है और उस वस्तु का राग कहां है? उस वस्तु में नहीं है, वो आपके अंतःकरण में। वो कहाँ है? तो वस्तु का त्याग होने से क्या किया? उसके पश्चात अंतः त्याग, बही त्याग और अंतः त्याग। और यहां पर दूसरा ये भी कह दिया है, जो अहमता ममता आदि है, वही आ गया ना, अहमता ममता, उनका त्याग ये है अंतः त्याग, और विषय का त्याग बही त्याग। तो अंतः त्याग बही त्याग विरक्तस्यैव युज्यते, जो विरक्त है उसके लिए ये दोनों त्याग करना युक्त ही है, उचित ही है। दोनों त्याग करना विरक्त के लिए उचित ही है, वही विरक्त है। बही त्याग हो गया, अंतः त्याग नहीं हुआ, वो विरक्त नहीं है। अब जो विरक्त नहीं है तो वो उसके अंदर मुमुक्षा भी नहीं होगी और वो मोक्ष सुख का अनुभव भी नहीं कर पाएगा। विरक्त बताया ना, सबसे नेसेसिटी, सबसे आवश्यक क्या है? विरक्त। रक्त नहीं रहना चाहिए शरीर में, खून बिल्कुल ना रह जाए, रक्त समझना। वेदांत का मतलब, जब हम बहुत छोटे थे तब वेदांत, तो वेदांत का मतलब हम समझते थे कि भाई दांत रहित, इसके दांत ना होवे तो वो क्या हो गया, क्योंकि उतना समझ नहीं थी ना, तो ये पता था कि दांत के ना होने पर कोई सुख नहीं बल्कि क्या होता है? दुख होता है। तो कोई क्यों वेदांती होना चाहेगा? लेकिन
चिंतन नहीं था ना, वो छोटेपन की बात है। जब सुना सुना ही था वेदांत, 2-4-10 बार कानों में वेदांत वेदांत, तब ये समझते थे बिना दांत वाले बूढ़े बूढ़े सारे इकट्ठे हो गए तो क्या हो गए, वेदांती हो गए। हाँ, तो ऐसा नहीं है। तो वैसे ही विरक्त का मतलब ये मत समझ लेना, रक्त रहित तो हो गया, खून नहीं होना चाहिए। अब खून नहीं होगी तो सर्दी में ठिठुर के भी मर जाएगा, है ना। खून होगा तो हाँ, शरीर रक्त की तो गर्मी है, उसी से सब कुछ, ये शरीर की समस्त क्रिया, समस्त जो भी शरीर में क्या है, ये ऑर्गन सब अपना अपना काम कर रहे हैं। यदि ठंडे हो जाए, शरीर में से अग्नि निकल गई, देखो भाई शरीर ठंडा हो गया जी, शरीर ठंडा हो गया तो मतलब निकल गया प्राण वायु, निकल गई जीवात्मा, निकल गया। तो विरक्त, ऐसा विरक्त नहीं होना है। विरक्त का मतलब राग रहित, क्या हुआ, चित्त में जो राग बना हुआ है विषय वस्तु का, जन्म जन्मांतरों से यही राग इसके भटकाव का, अशांति का और पुनः पुनः जन्म का हेतु है। राग ही है ना, राग का जो अत्यंत सूक्ष्म रूप है उसी का नाम वासना है ना। उसी का नाम क्या है, वासना। वासना जब अंकुरित हुई तब उसका नाम क्या पड़ गया, इच्छा है। और जब वो इच्छा अत्यंत बलवती हुई तब उसका नाम क्या पड़ गया, तृष्णा। तब उसका नाम क्या पड़ गया, तृष्णा। तो इस तरह से ये चलती है, वासना फिर इच्छा और फिर तृष्णा। तृष्णा क्या है, अत्यंत स्थूल रूप है और वासना अत्यंत सूक्ष्म रूप है, और मध्य में आती है कामना इच्छा। तो ये तीनों रहती है। तो ये राग का ही क्या है, तीनों राग को ही के अंतर्गत आ जाती है, तीनों के तीनों, वासना इच्छा तृष्णा, इनका कारण क्या है, राग ही है ना। विषय वस्तु में राग है, उनके संस्कार जो बने हुए है उनका नाम ही वासना है। तो राग के लिए ही कह रहे हैं राग त्याग, राग का त्याग, अंत और बाह्य त्याग, बाह्य विषयों का त्याग और चित्त में जो राग आदि है उनके, उनका त्याग होना ही पर होना ही विरक्तता है। जो विरक्त है उसको ये योग्य है, उचित है, उसको योग्य है विरक्त को, वही विरक्त है, राग रहित है। त्यजति अंतः बहिसंगम विरक्तस्तु मुमुक्षया। जो विरक्त है ना वो ऐसा क्यों किया जी, कहते मुमुक्षाया, मोक्ष की इच्छा के लेकर के। उसके मूल में क्या है, मोक्ष की इच्छा, कि मैं मुक्त हो जाऊं समस्त बंधन से, दुख क्लेश अशांति से सर्वथा मुक्त हो जाऊं। इसी के लिए जो विरक्त है वो बही अंतः बही संगम त्यजति, अंदर बाहर जो विषय उनका राग है उनका परित्याग करता है। मोक्षया किस लिए, मोक्ष के लिए, मुक्ति पाने के लिए, परम धन पाने के लिए,
छोटे छोटे तुच्छ विषय छोड़ दिए। क्या किया है? अधिक लाभ के लिए कम लाभ का परित्याग संसार में सब करते ही है। तो ये जो विषयों का लाभ है ये कोई लाभ नहीं है, ये क्या करते रहते, दुख देते रहते हैं। निरंतर इनका नाश, इनका वियोग, इनका क्षण भंगुरता, इनका परिवर्तन चलता रहता है। तो क्या करते हैं ये विषय दुख देते रहते हैं, तो बंधन में पड़ा रहता है। तो इनसे मैं मुक्त हो जाऊं, बंधन से दुख से मुक्त हो जाऊं, तो उसके लिए क्या है, विषयों का त्याग और उनके राग का त्याग कहा गया है। अधिक लाभ है ना, परम लाभ, परम जिसको कहा है राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन, मीरा भाई ने कहा है ना राम रतन धन मिले। राम रतन धन तो तब मिलेगा जब यहाँ के जो धन पद है उनकी राग छूटेगा। जिसको जिसके चित्त में इनका राग बना हुआ है उसको राम रतन धन नहीं मिलेगा, नहीं मिल सकता ना। तो जिनका ये बाह्य धन पद जो तीनों एषणा, पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा, तीनों एषणाओं का परित्याग कौन कर पाएगा, जो परम धन को पाना चाहता है, राम रतन धन को, राम रतन धन। अब संसारी जीव तो किसको धन माने रहते हैं, पुत्र को ही धन मानते हैं, वित्त जो है उसी को धन मानते हैं, या संसार में मिलने वाला जो प्रसिद्धि प्रशंसा है उसी को ही धन मानते हैं, उसी के लिए करते रहते हैं, उसी के निमित्त, उसी की आशा, उसी के निमित्त नाटक करते हैं, है ना। प्रशंसा प्रसिद्धि आदि पाने के लिए क्या करते रहते हैं, कितनी कितनी कसरत करते हैं, शरीर चलाएंगे, दिमाग चलाएंगे, किस लिए, कि हमारी प्रशंसा हो, प्रसिद्धि हो, यश हो, इसके लिए ही ना। लेकिन जो विचारवान है वो जान गया कि ये सारे के सारे धन असार है और मुझे तो केवल राम रतन धन को पाना है। दो दिन यहां तो वाहवाही हो जाती है, फिर क्या है, कोई पूछता है, हाँ? फिर जाता है जीवात्मा अपने कर्म वासना के अनुसार लोक परलोक में जाता है, भटकता है, सब कुछ यही छूट गया। यहाँ पर तो जिंदाबाद जिंदाबाद हो रहे हैं, वो बेचारा वहां जीने के लिए संघर्ष कर रहा है। यहाँ पर क्या हो रही है, जिंदाबाद जिंदाबाद हो रही है, और वहां पर वो एक एक अन्न के दाने के लिए क्या कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। तो यहाँ के जिंदाबाद कुछ काम आई क्या, यहाँ की प्रशंसा यहाँ की प्रसिद्धि कुछ काम आ रही है, कुछ भी नहीं आ रही। तो इसलिए जो समझदार है वो अविनाशी को पाने के लिए नाशवान का मुंह छोड़ देता है, ये सब नाशवान है, पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा, ये लोक प्रशंसा, ये धन, ये पुत्र आदि सबके सब नाशवान है, और परमात्म तत्व क्या है, अविनाशी। तो अविनाशी के लिए नाशवान वस्तु और नाशवान का राग मोह छोड़ दिया तो उसको समझदार कहेंगे या मूर्ख कहेंगे, समझदार कहेंगे। हाँ, तो इसलिए कहे मुमुक्षया विरक्तः तु अंतः बहिसंगम त्यजति। विरक्त जो है वो मोक्ष की इच्छा से अंदर बाहर का दोनों त्याग कर देता है, अंदर बाहर दोनों का त्याग कर देता है मोक्ष की इच्छा से। ठीक है, स्पष्ट हो गया, आगे वाला भी देख लो। बहिस्तु विषय संगम, आगे देखो स्पष्ट बता ही रहे, तथा अंतरहमादिभिः
बहि तू विषयैः संगम तथा अन्तर अहमादिभिः विरक्तः एव शक्नोति त्यक्तुं ब्रह्मणि निष्ठितः। हमने स्पष्ट कर ही दिया है, दोबारा सुन लीजिए। बहि तू विषय संगम, कह जी बहिस्त्याग क्या है, बाह्य त्याग क्या है, विषयों का जो संग है वो क्या है, वो बाह्य त्याग है। अंतर अहम आदि भी, और जो चित्त में बने हुए अहमता है, ममता है, इनका जो त्याग है, ये क्या है, अंतर त्याग। बहि त्याग है विषय, विषयों का संग का त्याग, और अंतर त्याग है ये जो अहंकार आदि है इनका त्याग। ये कठिन है ना, बाहर विषयों का त्याग तो सरल है, विषयों का त्याग तो व्यक्ति कर देता है, मतलब धन और परिवार को तो छोड़ देता है, लेकिन लोकेश ना, तो वैसे ही विषय तो छोड़ देता है, लेकिन विषय तो प्रशंसा के लिए भी छोड़ सकता है, अहंकार बढ़ जाता है और प्रशंसा होगी, तो अहंकार का त्याग क्या है, कठिन है। विषयों का त्याग सरल है और अहंकार का त्याग कठिन, इसलिए कहा ना कंचन तजना सहज, सहज त्रिया का नेह, मान बढ़ाई दुर्लभ तजनीय, मान बढ़ाई ईर्ष्या, ये तीनों उसमें ही आ गया ना लोकेशना में, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनीय, लोकेशना में आ गए, यही क्या है, अहंकार है, यही अहंकार है, यही अंतर त्याग है। तो जो लोग बाह्य त्याग नहीं कर पाते वो अंतर त्याग कर पाएंगे क्या, है बाह्य विषय उनको ही नहीं छोड़ पाते, उनकी आसक्ति ही नहीं छोड़ पाते, तो अहंकार आदि छोड़ना कठिन है उनके लिए, है तो ये दोनों ही छोड़ने। स्पष्ट हो गया, क्या बताया है, विषय संग का त्याग बाह्य त्याग है, और अहंकार आदि का त्याग अंतर त्याग है, लेकिन विरक्तः एव शक्नोति, जो अत्यंत विवेकी है, ऐसा जो विरक्त है, ब्रह्मणि निष्ठितः, ब्रह्म में ही जिसकी निष्ठा है, ब्रह्म में ही जिसकी निष्ठा है, तो यहां पर आप क्या समझेंगे, ब्रह्म में निष्ठा हो गई तो अब तो त्याग क्या और ग्रहण क्या, तो यहां पर ये अर्थ नहीं करेंगे। ब्रह्म निष्ठा का मतलब है कि केवल ब्रह्म प्राप्ति ही लक्ष्य है जिसका, क्योंकि जो ब्रह्मनिष्ठ हो गया उसके लिए वैराग्य आदि की चर्चा का कोई, जो पहुंच गया है अब उसके लिए साधन मार्ग क्या, मोटर से आ जाते भाई, आप नाव से आ जाते, आप ट्रेन से आ जाते, अब कैसी भी आ जाते, अब पहुंच गए ना, अब कोई औचित्य रह गया साधनों का है, तो वैसे जब तक नहीं पहुंचे तब तक साधनों का औचित्य है, अब पहुंच चुका है तब कोई साधनों का महत्व नहीं रहा है। तो जो ब्रह्मनिष्ठ हो गया उसके लिए वैराग्य नहीं, वैराग्य का विवेचन व्याख्या अब किस लिए, क्योंकि वो पहुंच चुका है, अर्थात वैराग्य था तभी तो ब्रह्मनिष्ठा हुई है,
वैराग्य था तभी क्या हुई है ब्रह्मनिष्ठा। अब ब्रह्मनिष्ठा हो गई उसके पश्चात वो वैराग्य को पकड़े रहे आग्रह रखें तो ऐसा नहीं है, वो फिर सहज है। संसारी रागी होता है, संसारी क्या करता है और साधक त्याग करता है, और ज्ञानी राग और त्याग दोनों से परे, ना राग ना त्याग। फिर आप कहेंगे कि ज्ञानी तो स्वेच्छाचार करेगा, क्या करेगा कि ज्ञानी तो फिर क्या करेगा मनमाना। अरे मनमाना तो तब करे जब मन हो, मन पाना पना तो तब करेगा जब मन होगा, तो कैसे हो सकता है। दूसरा बोध उसको हुआ है, बोध के पूर्व में राग था या वैराग्य था, वैराग्य था। पहले राग होता है, राग के फिर क्या हुआ वैराग्य आया और तब उसको क्या हुआ तब बोध हुआ है ना। तो बोध हो गया उसके पश्चात राग रहेगा या वैराग्य के संस्कार रहेंगे। तो इसलिए जो ब्रह्मनिष्ठ है उसकी विषयों में प्रीति सत्यत्व बुद्धि राग की संभावना नहीं है, समझ आया। और यदि राग बना हुआ है इसका मतलब उसको बोध ही नहीं, वैराग्य ही नहीं हुआ, बोध तो कहां से हो जाएगा। तो इसलिए राग और त्याग दोनों का ही त्याग हो जाता है ज्ञानी। हाँ वो स्वाभाविक रूप से क्या रहेगा, वैराग्य का ही उसमें थोड़ा बहुत रहेगा, राग की तो संभावना नहीं है, हो ही नहीं सकती राग की संभावना। राग तो पूरा का पूरा बीज सहित जल चुका है, इसलिए ज्ञानी इंद्रियों के या मन के विषयों में राग नहीं हो सकता। हाँ तो लोग गलत गलत व्याख्या कर लेते हैं, जान चुका मान, मिथ्या ही है, सब मिथ्या ही है, सब असार ही है, हैं? और अपनी आत्मा जो है वो आनंद घन है, तो क्या वो विषय सुख लेने की उसको इच्छा होगी। अब आप बताओ गुड़ खा लिया अब गन्ना चूसेगा, जिसने मिठाई खा ली है अब उसको कहे कि जी लो ये जो है आप सेब खा लो, गुलाब जामुन खा ली है अब फल फीके लगेंगे ना। तो वैसे जिसने ब्रह्मनिष्ठ जो हो गया वो विषय सेवन राग लेकर के उसके लिए संभव नहीं, संभव नहीं। हाँ तो इसलिए यहाँ पर ब्रह्मनिष्ठ का मतलब यही करेंगे कि ब्रह्म प्राप्ति जिसका लक्ष्य, एकमेव ब्रह्म प्राप्ति ही जिसका लक्ष्य है, ऐसा जो व्यक्ति है साधक है विरक्त है वही दोनों प्रकार का त्याग करने में समर्थ हो सकता है, दोनों प्रकार का त्याग कर सकता है, वही त्याग भी और अंतर। और जो ब्रह्मनिष्ठ हो गया है अब त्याग से और राग से प्रयोजन क्या, त्याग और राग दोनों से ही कोई प्रयोजन नहीं, सहज है। प्रारब्ध के अनुसार जो उपाधि है शरीर आदि वो वर्तती है, जैसे प्रारब्ध से ये शरीर क्या हो रहा है इसका जन्म हो गया, बाल्यावस्था प्राप्त हुई, युवावस्था प्राप्त हुई, वृद्धावस्था प्राप्त हो जाती है और इसकी मृत्यु हो जाती है, किससे
प्रारब्ध से और रोग निरोग और सर्दी गर्मी आदि शरीर को क्या है प्रारब्ध से ही होती रहती है। नहीं प्रारब्ध से चल रहा है ना सब, ये शरीर कैसे चल रहा है? इसको तो ऐसे तो है नहीं कि सब चला रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, चल रहा है। किसी ने नहीं प्रयत्न किया जवान हूं या बूढ़ा हो जाऊं, तो जवान होने का प्रयत्न किया भी हो तो बूढ़ा होने का तो किया नहीं शायद है, और चलो बूढ़ा होने का भी किया हो तो मरने का तो किया नहीं, वो बात अलग है। बूढ़े झूठ बोलते रहते हैं कि महाराज जब तो मर जाऊं बस है, अब और क्या देखना है, सब कुछ तो देख लिया, बस अब तो किसी तरह मर जाए। कहते एक बुढ़िया थी है, तो बुढ़िया बेचारी थी बीमार परेशान होगी, तो रोज प्रार्थना करे हे राम जी कब उठाएगा मेरे कागज, कहाँ छिपा दिए, क्योंकि है ना कि चित्रगुप्त बैठा है, वो क्या है जैसे मुनीम होता है ना शेष जी का, वो क्या रखता है सबके हिसाब किताब रखता है, तो वैसे ही चित्रगुप्त बैठा हुआ है धर्मराज के दरबार में, और वो क्या है उसके पास सबकी सबका खाता है, सबका खाता है, पाप पुण्य धर्म अधर्म सबका सबके कर्मों का खाता है। तो कि पता नहीं मेरे वाले जो कागज है पता नहीं कहाँ छिपा दिए फाइल, कि मेरे को उठा नहीं रहे। तो एक दिन क्या हुआ, पशु थे उनके, तो जो भैंसा है ना वो भैंसा खुल गया, भैंसा। अब भैंसा जो है बड़े बड़े सींग और फूंकार मारे, अब बुढ़िया जो है राम जी कब उठाएगा रोज बोलती थी, तो बुढ़िया को लगा सुना हुआ था कि यमराज आते हैं भैंस पर बैठ कर, तो बुढ़िया को लगा कि क्या हुआ, आ गए आज तो यमराज आ गए। तो बुढ़िया तो डर से कांपने लगी, तो कहने लगी महाराज इधर नहीं है बराबर में है बुढ़ा, बराबर वाले कमरे में है बुढ़ा। वैसे तो रोज कहती थी कि राम जी कब उठाएगा कब उठाएगा, लेकिन जब आया भी नहीं, वो भैंसा खुल गया उसी से भ्रम हो गया कि यमराज जी आ गए आज, तो कह लगे बुढ़ा है उधर वाले में, इधर नहीं इधर नहीं। तो ये स्थिति है, कहने का भाव है तो मरने का भय, लेकिन ये जन्म मृत्यु संयोग वियोग वृद्धावस्था आदि प्रारब्ध से चल रहा है ना शरीर, तो ज्ञानी का भी चलता है शरीर, किसे चलता है प्रारब्ध से चलता है। तो वो लेकिन कहीं पर भी रागवान नहीं होता, कहीं पर भी प्रारब्ध से चल रहा है शरीर भी, इंद्रिया भी, प्राण भी, अंतःकरण भी, लेकिन मैं तो सर्वथा असंग निर्लेप अकर्ता अभोक्ता हूं। मैं क्या हूं, मैं तो चेतन हूं, साक्षी आत्मा हूं, कर्तृत्व भोक्तृत्व मुझ में नहीं है। उपाधि उपाधियां व्रत रही है अपने प्रारब्धानुसार, कौन व्रत रही है, शरीर इंद्रिया प्राण अंतःकरण सब अपने यथा योग्य प्रारब्ध से व्रत रहे, व्यवहार कर रहे मेरी सत्ता से, लेकिन मैं तो साक्षी मात्र हूं। मैं क्या हूं, साक्षी मात्र। एक बार बाहर देखना जाके, मैं साक्षी मात्र चेतन आत्मा, ठीक है, समझ आ गया ये वाला। तो विरक्त ही ब्रह्म में ही जिसकी निष्ठा है वही अंदर बाहर दोनों त्याग करने में समर्थ होता है, और ये जो वैराग्य है यही बोध में हेतु है, आत्मानुभूति में हेतु है, कारण यही है, तत्व प्राप्ति में यही कारण है। इसलिए क्या करना चाहिए, वैराग्य बड़ा, विचार के द्वारा, विवेक के द्वारा,
सत्संग स्वाध्याय के द्वारा संसार की असारता दुख रूपता का चिंतन और निश्चय के द्वारा क्या करना चाहिए, वैराग्य को ही पुष्ट करना चाहिए, क्योंकि यही बोध में, ज्ञान में, तत्व अनुभूति में हेतु है, कारण है। आज इतना ही रख लीजिए, बाकी का विचार कल ही करें। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम।